हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन साल्ट ट्रिक। आज हम लोग अध्ययन करेंगे समाकलन, कैसे कोई क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है x²e^(x dx)। दूसरा क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह है x³e^(x dx)। तीसरा क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁴e^(x dx)। कैसे कोई क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एल्जेब्राइक है और यहाँ का है एक्सपोनेंशियल है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को हम पहले लिखते हैं और ब्रैकेट में इसका अवकल गुणांक करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक्सपोनेंशियल e^(x) और ब्रैकेट में क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, x² को वैसे ही उतार देंगे, वैसे ही लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अवकल गुणांक। तो x² का अवकल गुणांक क्या होगा, 2x। तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, x² का अवकल गुणांक 2x, तो क्या करेंगे, अल्टरनेट चेन में एकांतर क्रम में माइनस लगाएंगे और फिर 2x का अवकल गुणांक क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर चिन्ह कैसा है, माइनस है, माइनस साइन है, यहाँ +2 हो जाएगा। अब यदि कांस्टेंट आ जाएगा तो वहीं पर ब्रेक कर देंगे, फिर आगे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, +c ऐड कर देंगे, जहाँ c क्या है, स्वेच्छ अचर है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, x³e^(x dx)। तो e^(x) को लिख दिए, यहाँ पर x³ लिख दिए, x³ का अवकल गुणांक क्या होगा, 3x², फिर 3x² के क्या होगा, 6x, फिर 6x का क्या होगा, अवकल गुणांक 6 होगा। अब बस चिन्ह क्या करना है कि पॉजिटिव है तो माइनस लगा दीजिए, 3x², माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3x का डिफरेंशियल कोफिशियंट अवकल गुणांक क्या होगा, 6x होगा, तो माइनस यहाँ पर साइन है तो प्लस हो जाएगा, 6x का अवकल गुणांक क्या होगा, माइनस होगा, 6x का अवकल गुणांक 6 होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है, क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एल्जेब्राइक हो, एक्सपोनेंशियल हो, इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।